नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स भी था इस कंपनी के ऊपर, क्या अपडेट है जरूर एक बार शेयर करिएगा। तो कुछ कंपनीज के डिटेल्स के साथ साथ कुछ न्यूज भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऑब्वियसली कुछ नेगेटिव न्यूज है, उस नेगेटिव न्यूज आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि किसी कंपनी के ऊपर अगर करेक्शन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन तो जरूर जानना चाहिए। क्योंकि आप सारी चीजों को ना समझ कर सोच कर अगर कोई बाई सेल कर रहा है तो एक बहुत बड़ा मेरे हिसाब से एक नेगेटिव कारण बनेगा। क्योंकि आप ना सोच कर ही शेयर गिर रहे तो एग्जिट कर लिए, और शेयर भाग रहे तो बाई कर लिए, तो क्यों किया, उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। तो उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा करूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले जो कंपनीज के बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए, केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर मैं बहुत पहले से वीडियो बना रहा हूँ, जब इसका मतलब 50% के आसपास, मतलब 5,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप था, तब से मैं इस कंपनी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तब से मैं बता रहा हूँ कि इस कंपनी एक नेक्स्ट मल्टीबिलियन कंपनी बन सकते है। तो ऑलमोस्ट कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया है, और फिर भी ये तो सिर्फ शुरुआत है। क्योंकि जिस तरीके से इस कंपनी का ग्रोथ कर रहा है, और जिस तरीके से इस कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, और जिस तरीके से गवर्नमेंट भी ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर सब्सिडीज भी दे रहा है, बहुत सारे नया नया स्कीम भी लॉन्च कर रहा है, तो डायरेक्टली फायदा इस तरीके से कंपनी को मिलेगा। क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो कंपनी का जो बिजनेस है वो सोलर एंड विंड, सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर गवर्नमेंट का जो टारगेट है 500 गीगावाट का जो टारगेट है, और वो भी कब का, 2030 तक, 2030 के अंदर अंदर 500 गीगावाट का टोटल सोलर, सॉरी टोटल ग्रीन एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट काम करेंगे। तो टोटल ऑल ओवर इंडिया में ग्रीन एनर्जी 500 मेगावाट, सॉरी गीगावाट से भी ज्यादा होने वाला है। तो उसके लिए जितने सारे ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करने वाला कंपनी है, वो सारे कंपनीज को डायरेक्टली एक फायदा मिलेगा। तो पहले ही से ही केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर फायदा मिला है। दूसरी बात, इस कंपनी के ऊपर हर चीज आपको अच्छा लगेगा। इसको मैं ज्यादा डिटेल्स में बहुत बार दिखा चुका हूँ, यहाँ पे ज्यादा डिटेल्स में नहीं दिखाऊंगा। सिर्फ दो वीकनेस पॉइंट में आपको बार बार मार्किंग कर रहा हूँ, वो है इस कंपनी का कर्जा बहुत ज्यादा है, और प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है उनमें से 45%, मतलब ऑलमोस्ट 50% के आसपास प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो गिरवी रखा गया है, मतलब प्लेजिंग किया गया है। तो प्लेजिंग का मतलब है खुद के शेयर को किसी के पास गिरवी रखा और फंडिंग उठाया बिजनेस के लिए। देखिए, ये सब कुछ तो ठीक ठाक है, मगर अगर बिजनेस सही टाइम में सही चल रहा है तो ठीक है। अगर बिजनेस में थोड़ा सा सेल्स डाउन हो गया, ऑर्डर मिलना कम हो गया, तो कंपनीज के ऊपर एक बहुत बड़ा दिक्कत आ जाएगा। क्योंकि पहले तो आप लोन ज्यादा लेके रखे हैं, उसके बेसिस में आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने जो शेयर को गिरवी रखा है तो उनमें से भी आपको एक शेयर को छुड़वाने के लिए आपको पास पैसा होना चाहिए। तो ये सारे काम आप नहीं कर पाएंगे, तो आप दो दो तरीके से फंस सकते हैं। तो ये कंपनी के लिए एक बिग वीकनेस पॉइंट है, क्योंकि छोटे कंपनीज के ऊपर एक प्रेशराइज मोमेंटम तब देखने को मिलता है जब मार्केट बेरिश रन में होते हैं, जब इकोनॉमिकली कोई कंट्रीज का स्लो डाउन होते हैं, तो उस टाइम में इस तरीके से कंपनी का ग्रोथ कम हो जाता है। बाकी फिलहाल के लिए इंडिया का जो ग्रोथ जिस तरीके से हो रहा है, उस बेसिस में अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ और भी देखने को मिल सकता है, तो ये आशा किया जा रहा है। तो बाकी देखिए, कंपनी की जो सेल्स जिस तरीके से हो रहा है वो एक अलग लेवल का है। ऐसे नहीं कि कंपनी का सेल्स कम हो गया, सेल्स वोलेटिलिटी में है, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी हर साल में सेल्स को एक अलग लेवल में ग्रोथ किया, एक अलग लेवल में, और एक्सपेंस को भी कंपनी मिटाया, उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ते चले गए। तो यही सारे कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिले। और बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो कंपनी के रिजर्व बढ़ता हुआ देखने को मिले, कंपनी का बोरिंग्स वो भी यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा बोरिंग्स है, कंपनी के रिजर्व से करीबन 4 गुना कंपनी का बोरिंग्स देखने को मिला। उसके साथ साथ कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा, और उसी के साथ साथ कंपनी का जो इंटरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आपको उतना खास नहीं दिखेगा, सिर्फ 2 करोड़ का कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। तो सारे पॉइंट्स के हिसाब से देखें तो दो ही पॉइंट मुझे वीकनेस लगा, और एक्चुअली 3 पॉइंट वीकनेस लगा, और बोरिंग्स ज्यादा है, उसके साथ साथ कंपनी का रिजर्व थोड़ा सा धीरे 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 करके बढ़ रहा है, और कंपनी का प्लेजिंग है एक मुझे वीकनेस पॉइंट लगा, जिसके चलते मैं इस कंपनी के ऊपर काम तो कर रहा हूँ। ऑब्वियसली कंपनी को जब जब ट्रेड बना मैंने ट्रेड लिया, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो कंपनी पूरा का पूरा सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, सोलर पावर प्लांट के ऊपर काम कर रहा है, और ऑल ओवर इंडिया में 100% कंपनी का बिजनेस है। अगर यही चीज को मैं टेक्निकली बेसिस में देखूं तो देखिए कंपनी कहाँ से कहाँ तक जर्नी किया, ऑलमोस्ट कोविड से लेकर 4200% के आसपास रिटर्न दिया, मतलब 42 टाइम्स आपका फंड जनरेट किया। तो एक मल्टीबिगर रिटर्न कंपनी पहले दे चुके हैं,
अभी देखिए मुझे लग रहा है अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत लंबा जर्नी अभी बाकी है, तो कितना दूर तक जा सकते हैं वो तो मैं जरूर देखूंगा। बाकी फिलहाल के लिए कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स बना है, एक रेंज यहाँ पे बना था, इस रेंज को मैंने आपके साथ मार्किंग करके शेयर भी किया। जब इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा धमाका हो सकता है, अभी तक कोई ब्रेकआउट लेवल नहीं मिला, तो इसके लिए मैं कोई भी फ्रेश एंट्री फ्रेश ट्रेड नहीं लिया। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एसेल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए एसेल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो है वो बेसिकली देखा जाए तो एक इंडिया के एक सबसे पॉपुलर एक आईटी सेक्टर कंपनी है, और आईटी सेक्टर इंडस्ट्रीज में इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कंपनी है, क्योंकि एसेल टेक कोई छोटा मोटा कंपनी है पहली बात। दूसरी बात देखिए इन्फोसिस की जो प्रॉफिट ग्रोथ है इस बार नेगेटिव दिखा, सेल्स ग्रोथ में उतना खास नहीं है। टीसीएस का भी सेम टू सेम सेल्स में कुछ ना खास नहीं है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा ज्यादा है, कोई बात नहीं। मगर एसेल टेक देखिए सेल्स भी अच्छा खासा किया और प्रॉफिट भी अच्छा खासा किया, और कंपनी का डेप सबसे कम है, एकदम ना के बराबर है, और कंपनी का आरओसी भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। एसेल टेक एक बहुत शानदार कंपनी है, और इस कंपनी का बेसिकली जो बिजनेस है वो आईटी सॉल्यूशंस के ऊपर है। मैं कंपनीज के अगर मैं डेटा के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी देखिए एप्लीकेशन जो सर्विसेस है उसके ऊपर 57% काम कर रहे हैं, और इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज के ऊपर 43% काम कर रहे हैं। तो कंपनी के 72% सॉफ्टवेयर सर्विसेज के ऊपर काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के ऊपर 17% और बाकी बिजनेस प्रोसेस के ऊपर 11% के ऊपर कंपनी का काम चल रहा है। तो कंपनी के जो सेल्स है बिजनेस है वो कहाँ पे हो रहा है आप देखेंगे तो US में 64%, यूरोप में 29% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में बाकी 6.5% के आसपास। तो देखिए कंपनी का आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज के ऊपर 71% बिजनेस चल रहा है, साथ ही साथ इंजीनियरिंग एंड R&D के ऊपर 16% और बाकी एसेल सॉफ्टवेयर के ऊपर 11%। तो बिजनेस और पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो कंपनी का बिजनेस सही तरीके से सही ढंग में चल रहा है, और कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं। इस तरीके से कंपनी के ऊपर हर टाइम में हर दिशा में कंपनी का सेल्स बढ़ते चले जा रहे हैं। 19,000 करोड़ से 22,000 करोड़ बना, उसके बाद 26,000 करोड़ बना, अभी 28,000 करोड़ के ऊपर चल रहा है। एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन्स की, उसके बाद नेट प्रॉफिट 1,000 करोड़ से 3,000 करोड़ बना, उसके बाद 4,000 बना, अभी 4,300 करोड़ बना, मतलब एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला, बेस्ट तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। तो एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर FIDs पब्लिक हर किसी के पास अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिला है, तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली बेसिस बात करूँ तो टेक्निकली आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक पैटर्न बना था, एक कप फ्री धन अटेंडेंस बना, और इसके बाद मैंने एंटी भी लिया था। जब एंटी लिया था तब मैंने आपके साथ शेयर किया, उसके बाद देखिए कंपनी शानदार तरीके से टारगेट का अचीव किया, और टारगेट जो मिला 26% के आसपास टारगेट मिला। कितने दिनों में मिला? जब एंटी हुआ था एक्चुअली मैंने एंटी रिटेस्ट के कारण टाइम में लिया, फिर भी मैं एंटी लेवल से अगर टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 100 दिन लगा, मतलब अराउंड 3 मंथ्स के आसपास, 3 मंथ्स में 25% के आसपास कंपनी रिटर्न दिया। इससे बड़ी चीज और कुछ हो नहीं सकता। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर कोई टेन नहीं है, क्योंकि कंपनी ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखिए ऊपर गया, रिटेस्ट करने के लिए आया। अभी देखिए जो ब्रेकआउट हुआ ये ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट है क्या कंफर्मेशन ब्रेकआउट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर इस लेवल से कोई हाई वॉल्यूम के साथ कोई ग्रीन कैंडल दिखे तो यहाँ पे मैं एक एंट्री फिर से लेने वाला हूँ, और इसके नीचे यहाँ पे जो सपोर्ट रेंज है इस नीचे में स्टॉप लॉस रखकर काम करूंगा। देखिए ये मेरा खुद का ट्रेड होगा, मैं कोई भी आपको बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। अगर काम करना है तो आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि मेरे तरफ से कभी कभी भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी नहीं होता। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है पतंजलि फूड्स लिमिटेड। देखिए पतंजलि फूड्स लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक कोर्ट केस अभी भी चल रहा है जिसके ऊपर मैं बातचीत यहाँ पे करूंगा। देखिए आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट इशूज आप देख सकते हैं, रामदेव जी के ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एक केस किया गया। एडवर्टाइजमेंट का मतलब है कि रामदेव बाबा जी ने जो प्रोडक्ट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट किया उन्होंने ओपनली जो मार्केट में बताया कि ये प्रोडक्ट में ये हो सकता है बाकी प्रोडक्ट में नहीं होगा, इस तरीके से उन्होंने कुछ चैलेंज करके कुछ प्रोडक्ट बेचा था। तो वो प्रोडक्ट को जब जाँच किया गया तो उस तरीके से कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला, और उन्होंने जो कहा वो तो ठीक ठाक नहीं मिला इंग्रेडिएंट, तो इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक आरोप लगा और इसके ऊपर एक कोर्ट केस भी चल रहा है। तो जिसके चलते है रामदेव जी की जो कंपनी है पतंजलि, इस कंपनी के ऊपर एक भारी भरकम यहाँ पे गिरावट का माहौल झेलना पड़ा। जैसे आप देखेंगे तो पतंजलि के ऊपर एक पैटर्न्स बना था शानदार तरीके से, कफ हुई धन्य पैटर्न्स बना था और ब्रेकआउट भी हुआ, उसके बाद देखिए ऊपर जाने का कोशिश किया, उसके बाद बिग फॉल हो गया। और मैंने आपको ये भी बताया दो तरीके से यहाँ पे रेंज बनेगा, तो जो यहाँ पे लेवल्स है कुछ इस लेवल को आपको मैं मार्किंग करके दे रहा हूँ, ये लेवल बहुत स्ट्रांग लेवल है क्योंकि यहाँ पे कंपनी के एक स्ट्रांगली क्या है सपोर्ट है,
क्योंकि ये सपोर्ट कहाँ तक है, 1211 रुपीज के आसपास इस लेवल तक आने का चांसेस है। यहाँ से अगर रिवर्ट करे तो एक लंबा जर्नी होगा, और यहाँ से अगर फॉल हुआ तो बिग फॉल देखने को मिलेगा। दो तरीके से सिनेरियो बनेगा, तो जब सिनेरियो बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।